फिल्मी अंदाज में हुई गिरफ्तारी का सियासी ड्रामा। आखिरकार 28 घंटे बाद पी चिदंबरम गिरफ्तार। आईएनएक्स मीडिया केस में हुई चिदंबरम की गिरफ्तारी। सियासत में शह और मात का खेल कब किस पर भारी पड़ जाए कोई नहीं जानता। राजनीति के इस दंगल में कब कौन जीती बाजी हार जाए कोई नहीं जानता। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम का सीबीआई की गिरफ्त में होना इस बात की वानगी बखूबी दिखा रहा है। बयां कर रहा है शहमात के उस खेल को जो पिछले 10 सालों से सियासत के पिच पर खेला जा रहा है। तभी तो कभी मौजूदा गृहमंत्री के पीछे सीबीआई दौड़ाने वाले पी चिदंबरम आज खुद सीबीआई की हिरासत में है। दरअसल आईएनएक्स मीडिया केस में अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने और करीब 28 घंटे चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार सीबीआई ने पी चिदंबरम को गिरफ्तार कर लिया है। आइए ग्राफिक्स के जरिए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं फिल्मी अंदाज में हुई गिरफ्तारी के पल पल का घटनाक्रम। कब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका। सीबीआई और ईडी ने चिदंबरम के खिलाफ जारी किया लुकआउट नोटिस। सीबीआई और चिदंबरम के बीच चलता रहा लुका छिपी का खेल। तकरीबन रात 8 बजे कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे पी चिदंबरम। पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। चिदंबरम का दावा आईएनएक्स मामले से लेना देना नहीं। सीबीआई पहुंची उससे पहले ही चिदंबरम निकल गए। रात 8:27 पर जोरबाग में अपने घर पहुंचे। वहीं रात तकरीबन 8:42 पर सीबीआई की टीम चिदंबरम के घर को निकली। रात 8:56 पर सीबीआई की टीम चिदंबरम के घर पहुंची। रात 9 बजे सीबीआई टीम के लिए नहीं खोला गया चिदंबरम का घर का गेट। सीबीआई की टीम गेट फांदकर कैंपस में दाखिल हुई। बाहर जुटा कांग्रेसियों का हुजूम। रात 9:05 पर ईडी की टीम भी पहुंच गई। रात 9:47 पर चिदंबरम गिरफ्तार हो गए। चिदंबरम को सीबीआई मुख्यालय ले जाया गया। कांग्रेसियों ने सीबीआई की गाड़ी रोकने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली और जैसे आजाद थे वैसा ही हुआ। चिदंबरम कस्टडी में है। कथित करप्शन की जो कहानी साल 2007 में शुरू हुई थी वो अब द एंड की ओर पहुंच पर है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या चिदंबरम जेल जाएंगे? तो फिर क्या वो सच होगा जो पीएम मोदी ने साल जनवरी में कहा था? कभी किसी ने सोचा होगा? और भी उनके सारे सागरी दरबारी लोग हैं, वो भी जेल कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। और मुझे विश्वास है 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद है, ये कोर्ट के चक्कर जितने लगाने लगा ले, एक दिन को तो उनको जाना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV।